हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यम पांडे, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज 23 और 24 मार्च 2019 करंट अफेयर्स। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, सरकार ने वाइस एडमिरल करमवीर सिंह को किस सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है दोस्तों इसके, ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी जल सेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए नौसेना। नौसेना एडमिरल करमवीर सिंह ये 1980 में नौसेना में भर्ती हुए थे तथा 1982 में हेलीकॉप्टर के पायलट बने थे। ये करमवीर सिंह एडमिरल सुनील लांबा की जगह पर होंगे। अगला दोस्तों इसी प्रकार, पर्यावरण संबंधी संकटों से निपटने के लिए अमेरिका में कितनी भारतीय छात्राओं को $25,000 का इनाम दिया गया? ऑप्शन है दोस्तों इसके, ऑप्शन ए 2 भारतीय छात्राओं, ऑप्शन बी 4 भारतीय छात्राओं और ऑप्शन सी 6 भारतीय छात्राओं और ऑप्शन डी 8 भारतीय छात्राओं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 4 भारतीय छात्राओं। इनमें चारों छात्राओं को $25,000 दिया गया है। इनके नाम हैं, चारों भारतीयों छात्रों के नाम हैं, अंजलि चड्ढा, दूसरे का नाम प्रीति, तीसरे का नाम नवानी जैन, चौथे का नाम साई प्रीति मामी डाला। इस बार दोस्तों अगला, परिवहन विभाग ने किस शहर में ओला की कैब सर्विस पर 6 महीने की रोक लगा दी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी बंगलुरु। परिवहन विभाग ने बंगलुरु शहर में ओला की कैब सर्विस पर 6 महीने की रोक लगा दी है। अगला दोस्तों इस प्रकार, जस्टिस प्रशांत मिश्रा को किस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन बी पंजाब हाईकोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो आपका दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। जस्टिस प्रशांत मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों इस प्रकार, भारतवंशी ने नेओमी जहांगीर को हाल ही में किस देश की शक्तिशाली अदालत का जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए अमेरिका। श्रीनिवासन के बाद ये दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं श्रीनिवासन के बाद। अगला दोस्तों इसी प्रकार, जहाज में लगने वाली 3D एयर सर्विलांस रडार की सप्लाई के लिए टाटा पावर को किस मंत्रालय से 12,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। अगला दोस्तों इसी प्रकार, निम्न में से किस इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ने अपना नया मॉडल ट्रेंड ई लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी होंडा मोटर्स, ऑप्शन सी टीवीएस मोटर्स और ऑप्शन डी A1 मोटर्स इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी
ऑप्शन डी A1 मोटर्स इंडिया, A1 मोटर्स इंडिया। अगला दोस्तों, इसी प्रकार श्रीलंका क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने अगले वर्ष होने वाले T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, ऑप्शन बी तिलक रत्ने दिलशान और ऑप्शन सी लसित मलिंगा और ऑप्शन डी सुनील नारायण। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी लसित मलिंगा। श्रीलंका क्रिकेट टीम के लसित मलिंगा खिलाड़ी ने अगले वर्ष होने वाले T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेने की घोषणा की है। अगला दोस्तों, इसी प्रकार टेस्ट को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए किसने जर्सी पर नाम और जर्सी नंबर के साथ खेलने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए BCCI, ऑप्शन बी ICC और ऑप्शन सी PCB, ऑप्शन डी ACB। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी ICC। ICC क्रिकेट को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए ICC ने जर्सी पर नाम और जर्सी नंबर के साथ खेलने की मंजूरी दे दी है। अगला दोस्तों, इसी प्रकार BCCI ने किस राज्य की अंडर 19 क्रिकेट टीम में एज फ्रॉड कर जगह बनाने वाले खिलाड़ी सुमित जुयाल पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड। BCCI ने उत्तराखंड राज्य के अंडर 19 क्रिकेट टीम में एज फ्रॉड कर जगह बनाने वाले खिलाड़ी सुमित जुयाल पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, अगला, इसी प्रकार एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में किस कार की सबसे अधिक 24,751 यूनिट बिकी है? ऑप्शन ए पिटारा ब्रेजा, ऑप्शन बी मारुति अल्टो, ऑप्शन सी मारुति डिजायर और ऑप्शन डी हुंदवेनरा। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी मारुति अल्टो, मारुति अल्टो। अगला दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर बायेब के सम्मान में किस देश ने अपनी देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में कजाकिस्तान ने अपनी देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है। इसके पहले राजधानी का नाम अस्ताना था, अस्ताना था, जिसे बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है। अब वहाँ के नए राष्ट्रपति कासिम जुमात तोकावे हैं, कासिम जुमात तोकावे इस समय राष्ट्रपति हैं। अगला दोस्तों, इसी प्रकार किस देश की कस्टम ऑटोमोबाइल कंपनी लाजरेथ ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाई है? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस, फ्रांस ने कस्टम, फ्रांस की कस्टम ऑटोमोबाइल कंपनी लाजरेथ ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। अगला दोस्तों, इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात में हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 102 मेडल, ऑप्शन बी 205 मेडल, ऑप्शन सी 368 मेडल और ऑप्शन डी 418 मेडल। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 368 मेडल, 368 मेडल। 200 इसमें 284 खिलाड़ी शामिल थे,
इसमें 284 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें 154 सिल्वर तथा 129 गोल्ड मेडल जीते हैं। 154 सिल्वर तथा 129 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला दोस्तों, इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस बल्लेबाज को देश का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी एमएस धोनी, ऑप्शन सी केन विलियमसन, ऑप्शन डी सुरेश रैना। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी केन विलियमसन। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। उन्हें सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये याद रखिए, उन्हें किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों, इसी प्रकार लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में किस बीमारी से निपटने के लिए रोधी दवा का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। मलेरिया। इस पर अगला दोस्तों, भारत के किस राज्य की पुलिस की स्पेशल सेल ने जैसे मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी सज्जाद खान को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन दोस्तों राजस्थान पुलिस, ऑप्शन बी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी केरल पुलिस, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। भारत के दिल्ली पुलिस राज्य की पुलिस ने स्पेशल सेल ने जैसे मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी सज्जाद खान को गिरफ्तार किया है। अगला दोस्तों, इस प्रकार हाल ही में केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कौन सा सत्र संपन्न हो गया है? ऑप्शन ए पहला सत्र, ऑप्शन बी दूसरा सत्र, ऑप्शन सी तीसरा सत्र और ऑप्शन डी चौथा सत्र। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी चौथा सत्र। चौथा सत्र। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित उपायों पर चर्चा करना था। अगला दोस्तों, इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रिकेटर ने हाल ही में भाजपा में शामिल हो गया? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन डी विराट कोहली और ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। गौतम गंभीर हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा रविशंकर प्रसाद जी की मौजूदगी में भाजपा से सदस्यता प्राप्त की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।